सीतापुर के जंगलों में एक टोनी चिड़िया रहा करती थी। टोनी चिड़िया के पति का हाल ही में देहांत हो चुका था, इसीलिए वो अपना गुजर बसर अकेले ही किया करती थी। एक बार टोनी चिड़िया हरे भरे खेतों में अकेले ही दाना चुग रही होती है, तभी कहीं से एक खूंखार बिल्ली आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे टोनी चिड़िया घायल हो जाती है और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वापस अपने घोंसले में आती है। वहीं से कुछ दूरी पर सुंदरी कौवी अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। सुंदरी की कोई औलाद नहीं थी, जिससे वह दुखी रहा करती थी। वो नदी पर पानी पीने जा रही थी तो उसे टोनी चिड़िया के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। पानी पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। अरे ये तो किसी चिड़िया के कराहने की आवाज है। सुंदरी जल्दी से टोनी चिड़िया के घोंसले के पास पहुंचती है। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं 37-30 कितने होते हैं। अरे बहन, किसने तुम्हें घायल कर दिया? तुम्हारे बदन से तो खून बह रहा है। बहन मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। सुंदरी कौवी ने टोनी चिड़िया को पानी पिलाया। बहन तुम मुझ पर एक एहसान और कर दो, ये मेरा अंडा है और तुम मुझे एक बहुत नेक पक्षी लग रही हो। मेरे मरने के बाद इस अंडे को अपने साथ ले जाना और इसकी देखभाल एक माँ की तरह करना, और मुझे वचन दो कि इस बच्चे को अपनी माँ के बारे में कभी कुछ नहीं बताओगी। तुम मेरे बच्चे को एक माँ की तरह प्यार दोगी ना? माँ का नाम सुनते ही सुंदरी कवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ टोनी बहन, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालूंगी। अब टोनी के मरने के बाद सुंदरी उस अंडे को अपने घर लेकर आती है। घर आते समय रास्ते में सुंदरी कवि टोनी चिड़िया के बारे में सोच सोच कर दुखी होती रहती है। फिर जब सुंदरी कौवी अंडे को लेकर घर आती है तो अंडे को देखकर कालू कौवा उससे बोलता है। अरे सुंदरी, तुम आ गई, और ये तुम किसका अंडा लेकर आई हो? लाओ इसे मुझे दे दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे वाह, आज तो डिनर में अंडा खाने को मिलेगा, जाओ तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ। कैसे बाप हो तुम, मैंने इतने सालों बाद अंडा दिया है और तुम अपने ही बच्चे को खाने की बात कर रहे हो? क्या तुम सच कह रही हो सुंदरी, ये तुम्हारा अंडा है? कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। समय बीतता जाता है और कुछ दिनों बाद उस अंडे से चिड़िया बाहर आती है। सुंदरी उसका नाम टुनटुनी रखती है। टुनटुनी देखने में काफी सुंदर होती है, लेकिन अंडे में से एक कौवे को ना बल्कि एक चिड़िया के बच्चे को देखकर कालू कौवा आग बबूला हो जाता है। सच सच बताओ सुंदरी, ये किसका बच्चा है? ये तो किसी चिड़िया का बच्चा है। तुमने मुझसे झूठ बोला, अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा सुंदरी। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। मत जाओ मुझे छोड़कर जी, ये मेरी ही बच्ची है। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, टुनटुनी मेरी ही बच्ची है। लेकिन कालू कौवा उसकी एक नहीं सुनता और वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। अब सुंदरी कौवी बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, कालू कौवा भी उसे छोड़कर जा चुका था। वो अकेले ही टुनटुनी को पाल पोसकर बड़ा करने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और अब टुनटुनी बड़ी हो जाती है। सुंदरी कौवी ने अभी तक टुनटुनी को उसकी असली माँ के बारे में नहीं बताया था, लेकिन एक दिन अचानक से टुनटुनी चिड़िया उसके पास आती है और पूछती है। मम्मा, एक बात सच सच बताना, क्या मैं आपकी बेटी हूँ? क्या सच में आपने मुझे जन्म दिया है? आप तो एक कौवे हैं और मैं एक चिड़िया हूँ, अगर मैं आपकी बच्ची हूँ तो मुझे भी कौवे होना चाहिए था। नहीं, मेरी माँ आप नहीं हो सकती, मुझे सच सच बताओ माँ, मेरी असली माँ कौन है? टुनटुनी की ये बातें सुनकर सुंदरी कौवी परेशान हो जाती है और उससे बोलती है। टुनटुनी बेटी, ये तो कैसी बातें कर रही है, तू तो मेरी ही बेटी है, और ये तुझसे किसने कह दिया कि तू मेरी बेटी नहीं है? मम्मा, आप एक शिकारी पक्षी हो और मैं एक चिड़िया, आप तो मेरी माँ को भी मार कर खा गई होंगी,
अब जब मैं बड़ी होंगी तो आप मुझे भी खा जाओगी। मुझे आपसे डर लगने लगा है मम्मा, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर टुनटुनी सुंदरी कवि को छोड़कर चली जाती है और सुंदरी कवि रोती रह जाती है। हे भगवान, ये तो मुझे किस बात की सजा दे रहा है। पहले मेरे पति ने मुझ पे आरोप लगाए और मुझे छोड़कर चला गया, और जिस बेटी को मैंने इतनी नाजों से पाला था वो भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं क्या करूं भगवान, मैं अपनी बेटी को सच्चाई नहीं बता सकती। अगर मैंने अपनी बेटी को सच्चाई बता दी तो टोनी चिड़िया को दिया हुआ वचन झूठा हो जाएगा। टोनी चिड़िया को दिया गया वादा मैं नहीं तोड़ सकती। भगवान भगवान, मेरी बच्ची को वापस भेज दो, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, मैं तो उसके बगैर मर जाऊंगी, उसे मेरे पास भेज दो भगवान। उसी के पड़ोस में रह रही लूसी कबूतरी सुंदरी की सारी बातों को सुन रही होती है। इसके बाद वो उड़ते हुए टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, तुम जैसी स्वार्थी बेटी को मैंने आज तक नहीं देखा। जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया और अपने पति को भी छोड़ दिया, फिर भी तुम्हें इतने नाजों से पाला, आज तुम उसी माँ को रोता बिलखता अकेला छोड़कर चली आई। तुम्हारी मरती हुई माँ ने सुंदरी से वचन लिया था कि वो तुम्हें कुछ भी नहीं बताएगी। तुम्हारी माँ ने तो बस अपने वचन का पालन किया है। तुम्हारी माँ को एक बिल्ली ने घायल किया था और मरते समय तुम्हें उन्होंने सुंदरी को सौंप दिया। टुनटुनी, जाओ और अभी जाकर अपनी माँ से माफी मांगो। टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी की बातें सुनकर रोने लगती है और तुरंत उड़ते हुए अपनी माँ के पास आती है। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे सच्चाई मालूम नहीं थी, मुझे नहीं मालूम था कि आपने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे माफ कर दो माँ। सुंदरी चिड़िया टुनटुनी को अपने गले से लगा लेती है और फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं।